ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। माया किसी भी आत्मा को कमजोर बनाने के लिए सबसे पहले देह अभिमान में लाती है। अगर देह अभिमान न आए तो कोई भी कमजोरी नहीं आ सकती। बाबा ने कहा, इस देहभान से छूटने के लिए मुख्य युक्ति यही है, तुम सदा अपने स्वमान में स्थित रहो। लेकिन एक होता है स्वमान को सुनना और एक होता है उस स्वमान का स्वरूप बनकर उसका अनुभव करना। उस अनुभव के आधार पर ही एक सेकंड में देहाभिमान से बदल स्वमान में स्थित हो सकते हो। फिर बाप दादा ने स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए कुछ स्वमान बताए। भले ही ये स्वमान साधारण लगते हैं, परंतु बाबा ने कहा, अगर तुम इन स्वमानों के अनुभवी मूर्त बन जाओ तो कड़ी से कड़ी परीक्षा को भी सहज पार कर सकते हो। तो सबसे पहले ये स्वमान स्मृति में लाओ कि मैं कौन हूं। फिर दूसरा विचार करो, मैं सबसे उच्च ब्राह्मण हूं। बाबा ने कहा, यह भी श्रेष्ठ स्वमान है। उसके बाद ऐसा अनुभव करो कि सारा विश्व तो क्या, मैं आत्मा पूरे ब्रह्मांड का भी मालिक हूं। मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ऐसे एक एक स्वमान का तुम अनुभव करते जाओ तो सिर्फ स्वमान में स्थित होने से ही बहुत प्राप्ति हो सकती है। बाबा ने कहा, स्वमान से तुम विश्व महाराजन बनेंगे और ऐसे स्वमानधारी को फिर सारा विश्व सम्मान देगा। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।